हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फेमस बंगाली क्विजिन दोई कातला। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। बॉइल्ड राइस के साथ इसे सर्व किया जाता है। शादियों में या किसी भी पार्टी में ये डिश बहुत ही फेमस है। और देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है फिश और इसकी ग्रेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ऐसे फिश के पीसेस ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। ये कातला फिश है, तो सबसे पहले इस मछलियों पर हम नमक और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मछलियों पर लगा लेंगे। एक तरफ नमक और हल्दी लगा लिया है, अब मैं मछलियों को पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी नमक और हल्दी पाउडर लगा लूंगी। इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। फिश मैरिनेट होने के बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है। कढ़ाई को अच्छे से गरम करके इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें एक एक करके फिश के पीसेस डाल देंगे। और एक कवर लगाकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक तरफ से मछली फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब फिर से कुछ देर बाद कवर हटाकर चेक करेंगे, तो देखिए फिश दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे तेल में से उठाकर एक प्लेट में रख लेंगे। बाकी के पीसेस भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इस बचे हुए तेल में हम थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे, करीबन 1 से 1.5 बड़े चम्मच। अब इस तेल में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता। इन्हें कुछ सेकंड तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल चला ना जाए। अब हम इसमें ऑनियन पेस्ट डालेंगे। 2 मीडियम साइज के ऑनियन का पेस्ट है ये। ऑनियन को अच्छे से मिलाकर करीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि ऑनियन में एक अच्छा सा कलर आ जाए। प्याज में देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बनाकर डाला है मैंने। टमाटर को भी अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर तक पकाना है। टमाटर पकने पर हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। 10 से 12 काजू को हल्का गर्म पानी में भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर यूज़ किया है मैंने। काजू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर तक पका लेंगे। आंच इस वक्त हम स्लो कर देंगे। देखिए मसाला पक चुकी है, इसमें से तेल सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें 200 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर मसालों में डाल देंगे। से 3 मिनट तक फिर से पकाएंगे जब तक कि दही का पानी सूख जाए।
अब देखिए दही भी पक चुकी है, तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक स्वादानुसार, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच और 3 ग्रीन चिलीज ऐसे स्लिट करके डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर तक पका लेंगे। देखिए मसाला तैयार है, तो अब हम इसमें 1 से 1.5 कप उबलता हुआ गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसमें फिश के पीसेस डाल देंगे। फिश के पीसेस को ग्रेवी में अच्छी तरह से डुबो देंगे। और ढककर स्लो आंच में पका लेंगे करीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। फिश पक चुकी है और इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें फ्रेशली कुटी हुई गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला को फिश के साथ मिला लेंगे। गरम मसाला में मैंने छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी को सेम प्रोपोर्शन में पाउडर बनाकर डाला है। अंत में इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे ग्रेवी में मिला देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। दोई कातला तैयार है, बहुत ही लाजवाब बनी है दोई कातला। बॉइल्ड राइस के साथ इसे खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।